नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक। चर्चा करेंगे आज मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि इत्यादि का कारक माना जाता है। 27 जून 2022 को मंगल अपने मित्र गुरु की मीन राशि से निकलकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक होती है। मकर राशि में मंगल 28 डिग्री पर धनिष्ठा नक्षत्र में उच्च अवस्था को प्राप्त करता है और कर्क राशि में 28 डिग्री पर नीच हो जाता है। हर ग्रह चाहे आपका जन्म चार्ट हो या फिर गोचर, जिस भी राशि में होता है उस राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों का दोस्तों प्रणाम देने के लिए मजबूर होता है। इसलिए मेष राशि में गोचर करते हुए मंगल भी तीन नक्षत्रों की यात्रा करती है। ये तीन नक्षत्र हैं केतु का अश्विनी नक्षत्र, शुक्र का भरणी, सूर्य का कृतिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण दोस्तों इसी राशि में पड़ता है। कब कब इन नक्षत्रों की यात्रा करेंगे मंगल? 27 जून से 16 जुलाई तक मंगल केतु के अश्विनी नक्षत्र की यात्रा करेंगे। 16 जुलाई से 5 अगस्त तक मंगल शुक्र के भरणी नक्षत्र की यात्रा करेंगे और आखिर में 6 से 10 अगस्त तक मंगल सूर्य के कृतिका नक्षत्र की यात्रा करेंगे। मंगल का मेष राशि में गोचर करने से इसका असर सभी 12 राशियां लग्नों पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मंगल के राशि परिवर्तन से तुला राशि लग्न के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस यूट्यूब हमारी वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, आप उन्हें मिस मत करिएगा। साथ ही यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि 27 जून 2022 को मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करते हुए तुला राशि लग्न के जातकों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तुला राशि लग्न के जातकों के लिए मंगल सेकंड और सेवंथ भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली का सेकंड भाव धन भाव होने के साथ साथ हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का, हमारी बोलचाल, हमारी वाणी का, हमारी खान पान की आदतों का भी भाव है। सेवंथ भाव शादी, शादीशुदा जीवन, जीवन साथी, व्यापार, खासकर पार्टनरशिप व्यापार, सोशल इमेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि के बारे में जानकारी देता है। अब 27 जून को मंगल का गोचर आपकी राशि लग्न से सेवंथ भाव में होगा, जहां पहले से महारथी राहु विराजमान। मंगल के इस गोचर के दौरान आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट लग्न पर जाएगा। सेवंथ भाव से मंगल का एट्थ एस्पेक्ट आपके धन और वाणी के भाव पर होने से ज्यादातर समय आप क्रोधित और निराश रह सकते हैं। आपकी भाषा खराब हो सकती है और परिवार में झगड़े और विवाद का कारण बन सकती है। मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट टेंथ भाव पर होने से इस गोचर का सबसे अच्छा फल व्यापार या पार्टनरशिप व्यापार से जुड़े जातकों को शुभ और अच्छे मुनाफे के रूप में मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले जो जातक हैं, मंगल का मेष राशि में गोचर आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 27 जून से 16 जुलाई तक मंगल केतु के नक्षत्र पर है। केतु आपके लग्न भाव में शुक्र की तुला राशि में होकर शुक्र को रिप्रेजेंट और मंगल की दृष्टि में केतु होने से ये केतु मंगल का भी प्रणाम देगा। शुक्र की दूसरी राशि आपके चार्ट में एट्थ भाव में पड़ती है दोस्तों, और 27 जून से 13 जुलाई तक शुक्र आपके नाइन्थ भाव में गोचर करेगा, भाग्य भाव में, जिसकी वजह से लव लाइफ हो या निजी जीवन, शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी के साथ इस गोचर के कारण कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है काम के बोझ से, दबाव के कारण या आपकी वाणी के कारण ये वैवाहिक जीवन आपका खराब हो सकता है। इससे आप दोनों के रिश्ते में कुछ तनाव और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जितना संभव हो इस गोचर के दौरान हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेते हुए अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके ही आगे बढ़े, नहीं तो मतभेदों के कारण बात काफी बिगड़ सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए मंगल का केतु के नक्षत्र पर गोचर एवरेज रहने वाला है। 16 जुलाई से 5 अगस्त तक मंगल शुक्र के भरणी नक्षत्र की यात्रा करेंगे और इस समय शुक्र आपके 10th भाव में होगा।
इस समय भी लव लाइफ या वैवाहिक जीवन अब शक के घेरे में रहेगा। जिनके चार्ट में जो या फिर वर्तमान में वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक नहीं है, अब हो सकता है आपके पार्टनर द्वारा इस बात को आपके ऑफिस तक ले जाया जाए, जिससे आपकी छवि को धक्का लग सकता है। व्यापार और नौकरी के सिलसिले में मंगल का भरणी नक्षत्र पर गोचर काफी अनुकूल रहने वाला है। 6 अगस्त से 10 अगस्त तक मंगल सूर्य के नक्षत्र पर। सूर्य दोस्तों आपके चार्ट में 11th लाभ भाव के स्वामी होकर 6 से 10 अगस्त तक 10th कर्म भाव में गोचर करते हुए बिजनेस में पार्टनर के द्वारा अच्छा सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपका व्यापार बढ़ेगा और आप अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आपके व्यापार का नाम भी बनेगा। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। इस समय आपके सामाजिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही समाज में आप अपनी छवि बेहतर करते हुए दूसरों से मेल मिलाप बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात, 6 अगस्त से आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में खुशियां फिर से वापस लौटेंगी। ये समय रिश्ते में पहले से अधिक प्रेम और मजबूती लाने वाला समय होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने साथी के साथ इस समय ज्यादा और अच्छा समय बिताते हुए एक दूसरे को अच्छे से समझने में सफल रहेंगे। वही बात करेंगे मंगल के इस पूरे गोचर के दौरान आपकी हेल्थ की, तो इस गोचर के प्रभाव से आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। खास तौर से वो जातक जो अपनी किसी पहले की समस्या से परेशान चल रहे हैं, उन्हें अपनी समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने खान पान पर ध्यान जरूर रखना होगा। कुल मिलाकर मंगल का मेष राशि में गोचर तुला राशि लग्न के जातकों के कैरियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, लेकिन रिश्ते में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी तुला राशि लग्न के जातकों के लिए मंगल के गोचर की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।